हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप मानचित्र के बारे में। तो हम लोग बात कर चुके थे कि क्या क्या पढ़ना है, विषय सूची हम लोग देख चुके थे। तो पहला टॉपिक था हमारा पृथ्वी एक परिचय। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैप्स को देख लेते हैं, किस देश की कहाँ अवस्थिति है, क्या कहाँ है, सब कुछ देखते हैं। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, दिख रही, ये है पृथ्वी। ठीक, इसमें हमारा प्यारा देश भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, ये है प्यारा भारत। ये ऊपर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये नीचे श्रीलंका है। ठीक है, याद रखिए। और यहाँ चीन है ऊपर, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ लक्षद्वीप सागर है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, यहीं ये थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, यहीं ये जकार्ता है, इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी है, ये सभी है। ठीक, ये ऊपर चीन है, यहीं मंगोलिया है, मंगोलिया से ऊपर ये पूरा रूस है, यहाँ दक्षिण कोरिया है, और ऊपर उत्तर कोरिया है, ये है। ठीक, ये उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया, ये जापान है, ये जापान सागर है, ये पीत सागर, पूर्वी चीन सागर। ठीक, यहीं रूस के बाद यहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहीं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये ईरान है, यहाँ ओमान, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, जिदे के लिए, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, और यहाँ ऊपर जाओ बेरिंग सागर, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, आर्कटिक, पूर्वी साइबेरिया सागर, ओखोटक सागर। ठीक है, फिर नीचे अफ्रीका में ये सऊदी अरब, ओमान, यमन। ठीक, ये अदन की खाड़ी है, ये सऊदी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सभी आते हैं। पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, ये घना, गिनी, गिनी की खाड़ी है यहाँ, ये चाड, नाइजर, लीबिया, सूडान, दक्षिण सूडान, कार्गो गणराज, कांगो गणराज, तंजानिया, केन्या, इथोपिया, सोमालिया, ये मेडागास्कर है। ठीक है, यहाँ मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया। ठीक है, एशिया यहाँ देख लिया, ये अफ्रीका, ऊपर यूरोप देख चुके हैं, ये यूरोप है। यहाँ अब बात करते हैं दक्षिण, दक्षिणी अमेरिका, तो याद रखना ये दक्षिणी अटलांटिक सागर है, अंध सागर। ठीक है, यहाँ ऊपर ऊपर होगा उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण अमेरिका में है, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सुरीनाम। ठीक है, फिर यहीं ये दक्षिण प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी प्रशांत, यहाँ ये कैरिबियाई सागर है, और यहीं ये पुर्तो रिको है, क्यूबा है, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ये मैक्सिको है ऊपर, ये मैक्सिको की खाड़ी है। देखो, फिर उत्तरी अमेरिका है, कनाडा, यूएसए। ठीक है, यहाँ ये हड़पसन की खाड़ी है, उत्तरी पश्चिमी मार्ग है, लिब्राडोर, एक ग्रीनलैंड है, बाफिन की खाड़ी, यहाँ अलास्का की खाड़ी। ठीक, पूर्वी सारे सार्विया। ठीक है, ये फिर आ गया रूस, मंगोलिया। ठीक है, ये हमारा बेरिंग सागर। तो ये हमारी पृथ्वी की संरचना। ठीक है, इसमें ये अवस्थिति है। और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे। ठीक, यहाँ न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया, ये देख ही चुके हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फिलीपींस, यहाँ अटलांटिक है, अंटार्कटिका नीचे। ठीक है, ये देखिए अंटार्कटिका। ठीक, और यहाँ ऊपर ठीक है, ये हमारी पृथ्वी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से
4.6 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग विस्फोट के फलस्वरूप हुई थी। पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, जबकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं और नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जबकि शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। इसके बाद क्रमशः मंगल व बुध ग्रह। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। वो याद रखना, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 365.25 दिन, 365.25 दिन। और अपना पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य से पिकास को पृथ्वी पर पहुंचने पर लगभग 8.18 सेकंड का समय लगता है, मतलब 500 सेकंड के करीब। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 384,400 वर्ग किलोमीटर है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे शून्य अंश अक्षांश रेखा कहा जाता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा की 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तर में कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री अंश दक्षिण में मकर रेखा अवस्थित है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का पूर्व से पश्चिम विभाजन देशांतरीय विभाजन कहलाता है। देशांतर रेखा शून्य से लेकर 180 तक विभाजित है। शून्य अंश देशांतर प्रधान मध्यान रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ग्रीनी की खाड़ी के पास अटलांटिक महासागर में विभाजित करती हैं। प्रधान मध्यान रेखा की किसी स्थान के मानक समय को निर्धारित करती है, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। यह रेखा बेरिंग जलडमरू के पास प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर। समुद्र से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है, जबकि समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान है 396 मीटर मृत सागर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल, जबकि सबसे गर्म स्थान है अल्जीरिया देश का अल अजीजिया। यहाँ सर्वाधिक तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है मृत सागर, जबकि सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच। पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका स्थित सहारा मरुस्थल। ठीक है ना, पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, देख ही चुके हैं, 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार पनामा से लेकर सुदूर दक्षिण चिली तक स्थित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी तीन बेहद मंडलों में विभक्त है, जिनमें भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर क्रोड। तीन बेहद मंडलों में भूपर्पटी एवं मेंटल ठोस अवस्था में है, जबकि क्रोड तरल अवस्था में है।
में नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। भूपरपट्टी के ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के मध्य घनत्व संबंधी कोण राड असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल एवं कोर के मध्य घनत्व संबंधी असंबद्धता को गुटेन बर्ग असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, देख लिया, और नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है था। ठीक है, ये एशिया है, यहाँ यूरोप लगा हुआ है, यहाँ बगल में ये ऑस्ट्रेलिया है बगल में। ठीक है, इसी ठीक है, ये बात कर लेते हैं। ये ध्रुव है पृथ्वी का, 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ठीक है, पृथ्वी का उपयुक्त कक्ष है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव याद रखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, और ये मध्य रेखा। ठीक है, तो देखते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है हमारी, ये कर्क रेखा मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारुतानिया, माली, माली के बाद है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, फिर ओमान, फिर भारत, भारत के बाद है बांग्लादेश, फिर म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, इतने देशों से गुजरती है। ठीक, फिर है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रेसिप, गेवन, कांगो, जायरे, फिर युगांडा, फिर केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, फिर यही है मकर रेखा नीचे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिए अफ्रीका से तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा, तीनों भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य, यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इतने राज्यों से गुजरती है। तो ये था हमारी पृथ्वी की एक सामान्य जानकारी। आगे हम बात करेंगे विश्व, विश्व को देखेंगे। ठीक है, विश्व का एक परिचय बात करेंगे हम लोग।